हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हो गए थे। अभी आपने ये जो छोटी सी क्लिप देखी, ये क्लिप है भारत की एक वीर नारी मंजू जी का। इनके पति कांस्टेबल रोहितास लांबा जी 14 फरवरी 2019 को देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे। और जब ये वीरगति को प्राप्त कर गए थे, इनका पुत्र मात्र 34 दिन का था। उनके पुत्र का नाम ध्रुव है। और जब ध्रुव का जन्म हुआ था, तब उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी लिखा हुआ था कि टुडे आई बिकम ए फादर। वो पोस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब पुलवामा हमला हुआ था, तो पूरा देश खून के आंसू रोया हुआ था। और उसके जस्ट 4 साल बाद पुलवामा हमले में कि एक वीर नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, वो भी सीएम कार्यालय में, ये एक बहुत ही शर्मनीय बात है। तो सबसे पहले वहाँ पे सीएम कार्यालय में पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहितास लांबा जी की वीरांगना मंजू जी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, सबसे पहले हम वो वीडियो क्लिप देखते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, वो हमारे वो पुलिस वाले ने ऐसा व्यवहार किया कि हम बता नहीं सकते। इतनी मार पीट की हमारे वो, हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हमारे दुख को लेके वहां गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती कर रहे हैं। हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको, जबकि मेरे शहीद स्मारक में जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारे वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? समान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। कि पति शहीद भी बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हम भी चल जाएंगे, कोई गमाली बात नहीं है। पर आप हमारे सामने आके वैसे बोल दो, ये पर सामने आके बोल दो गोली काट दो, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, 4 दिन पहले भी ऐसा बर्ताव हुए किया था पुलिस वाले ने, और आज भी मेरे साथ इतना अत्याचार किया है। जगह जगह तो उसे कर्मचारियों ने मेरी हालत खराब कर दी। हम नहीं सहन कर पाएंगे। आई होप आपने पूरा वीडियो क्लिप देखा होगा कि मंजू जी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और ये वीडियो देखने के बाद मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ। और सही बात है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ पुलिस के द्वारा। मुझे बताइए, क्या उनके साथ सीएम कार्यालय में जो व्यवहार किया गया, वो भी एक वीर नारी के साथ पुलवामा हमले में उनके वीर पति कांस्टेबल रोहितास लांबा जी शहीद हो गए थे, वो सही है या गलत है? बेशक बहुत ही ज़्यादा गलत है, शर्मनीय है। इससे दुखद बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि आप वीर नारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या हम लोग इसलिए कहते हैं कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले?